सो है व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अहमद रिया, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ARM टेक्निकल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप आप लोग यूज़ करते हैं बट आप लोग दूसरी भी व्हाट्सअप जो है यूज़ कर लेते हैं, तो आप लोगों को आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी व्हाट्सअप जो है बैन होने से रोक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों की जो है व्हाट्सअप जो है बैन हो रही है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम में वो लोग फंस रहे हैं। तो बैन किस वजह से हो रही है, तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी अपनी व्हाट्सएप बैन होने से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से भी स्पिक मत करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते बगैर टाइम बिताए। तो देखिए सो गाइस होता क्या है, यहाँ पे आप लोगों को बता चलता हूँ। अगर आप व्हाट्सएप से अलावा दूसरी भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या फिर उसमें ज़्यादा फ्यूचर मिलते हैं, उसमें फ्यूचर तो मिलते हैं बट आप लोगों का बहुत बड़ा उसमें नुकसान हो जाता है। आपके जो जितनी भी चैट वगैरह होती हैं वहाँ पर जो आपकी व्हाट्सएप बैन होती है, जो कि आपको स्क्रीन शॉट में यहाँ पर दिख रहा होगा, तो वहाँ पर आपको कम से कम 23 घंटे या 48 घंटे या आपको 2 दिन या 3 दिन भी यहाँ पर आपकी व्हाट्सएप में लग जाता है। और वो भी आप बैट कर लेते हैं, बैट करने के बाद अपनी व्हाट्सएप जो ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद भी आप लोग अपनी व्हाट्सएप जो ओपन कर लेते हैं उसके बाद थोड़ी देर तो चलती है बट उसके बाद भी आपकी जो व्हाट्सएप जो है बैन हो जाती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखिए अगर आप दूसरी व्हाट्सएप आप चला रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, देखिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपको उस व्हाट्सएप का जो है बैकअप डाटा जो है आप लोगों को ले लेना है, जो उनसे भी आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप GB या व्हाट्सएप गोल्ड, कोई सी भी व्हाट्सएप है, आपको उसका बैकअप डाटा ले लेना। बैकअप डाटा लेने के बाद आपको सिंपल से करना क्या, आपको उस व्हाट्सएप को जो है इंस्टॉल मार लेना। और व्हाट्सएप देखिए, व्हाट्सएप बैकअप डाटा मैं किस लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरीके से व्हाट्सएप बैकअप डाटा ले लेना। व्हाट्सएप डाटा बैकअप से ऐसे होगा कि अगर आप अपनी व्हाट्सएप जो है अनइंस्टॉल मार देते हैं, अनइंस्टॉल मारने के बाद दूसरी ओपन करेंगे तो आपका जितने भी चैट वगैरह होंगे आपकी वो वहाँ पे आपको आ जाएंगे, आपकी कोई से भी चीज़ डिलीट नहीं होगी। अगर आप दूसरी व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कोई से भी 3rd-party व्हाट्सएप ऐप है या व्हाट्सएप GB या व्हाट्सएप गोल या कोई से भी बाकी काफ़ी सारी व्हाट्सएप जो चल रही है, आपको उसे अनइंस्टॉल मार देना। अनइंस्टॉल मारने के बाद आपको सिंपल से अपने फ़ोन में जो है जो ओरिजिनल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करेंगे, आप कहीं से भी बाकी के ये इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद तो आपको सिंपल इसे ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको फ़ोन नंबर डाल कर और आपको उस व्हाट्सएप को ओपन कर लेना। उस व्हाट्सएप को ओपन करेंगे बट आपके उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा उसमें वेट करना होगा। वेट करने के बाद आप जो अपने व्हाट्सएप जो है ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने के बाद फ़ोन नंबर डालकर उसे कन्वर्ट कर लीजिएगा और आपको दूसरी 3rd-party व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं करनी है। अगर वो आप करते हैं तो आपकी व्हाट्सएप जो है बैन हो जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप बैन होने से बचाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको प्ले स्टोर से ही यहाँ पे व्हाट्सएप जो है इंस्टॉल करके आपको यूज़ करनी है, और कोई सी भी व्हाट्सएप के बारे में आपको यूज़ नहीं करना। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाला था। अगर आप और भी इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के पास बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूँ मैं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले फ्यूचर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।